ये ले तेरा लंच, ये बुक और ये लंच अपने बैग में रख ले। योगिता, ईशानू को आज तुम स्कूल छोड़ देना, मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे तो मेरे पास में भी टाइम नहीं है, कितना सारा काम पड़ा है मुझे, और विमला ताई का इतना बड़ा ऑर्डर है, कब पूरा करूंगी मैं? और आपको जल्दी जाना था तो सुबह जल्दी उठना था ना। अरे भाई आज गलती हो गई, माफ कर दे, आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है, अभी मैं उसको स्कूल छोड़ देती हूँ, लेकिन ऑफिस से आते टाइम आप उसको स्कूल से लेके आना। अब जो है ना, मैं वर्कर नहीं रहा हूँ, सुपरवाइजर हो गया हूँ, जिम्मेदारी के साथ साथ सैलरी भी बढ़ गई है। अब तू इतना काम लेना छोड़ दे और अपनी सेहत का ध्यान रख, ईशानी के लिए टाइम निकाल। अरे सब कुछ ईशानी के लिए तो कर रही हूँ, अगले साल उसको अच्छे स्कूल में डालेंगे। दो दिन की जिंदगी है, पल में गुजर जाएगी, कुछ टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया कर। इतना सब करती हूँ ना, फिर भी आपको मेरी कोई कदर नहीं है। देखना जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब आपको पता चलेगा। पागल हो गई है क्या, सुबह सुबह कैसी बात कर रही है? शुरुआत किसने की थी? ठीक है बाबा, गलती हो गई, माफ कर दे। जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये ब्रिज काफी पुराना है, लगभग 70 साल पुराना। इसकी हालत तो काफी खस्ता हो चली थी, इसके रिपेयर वर्क का काम भी चल रहा था और काफी हिस्सा तो रिपेयर तक हो चुका था। महेंद्र, वो उसके नीचे आगे दब गई यार। नहीं, बॉडी को हाथ नहीं लगाने का। फिर भी मैं, बॉडी जांच के लिए जाएगी, उसके बाद गोखले हॉस्पिटल से कलेक्ट करने का। इतना सब करती हूँ ना, फिर भी आपको मेरी कोई कदर नहीं है। देखना जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब आपको पता चलेगा। पागल हो गई क्या, सुबह सुबह कैसी बात कर रही है? ले जाओ। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसके रिपेयर का काम हो चुका था, उसके बावजूद ये हिस्सा गिरा तो गिरा कैसे, और इसकी जिम्मेदारी उठाएगा कौन? प्रशासन या ठेकेदार?